अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब फ्रेंड्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लाई हूँ, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये है ओले का ऑल स्किन टाइप के लिए एक्सफोलिएटिंग जेल, और जो कि क्लेम करता है आपकी स्किन को वाइट करेगा, नरिश करेगा, क्लीन करेगा, और इसमें SPF 15 भी शामिल है। और ये मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखें, ये सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। और ये हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने अपने चेहरे को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपने इसको चेहरे को क्लीन कर लेना है, यानी उस पर पानी वगैरह नहीं हो। और उसके बाद 20 सेकंड के लिए आपने अप्लाई करके इसको छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो देन फिर आपने मसाज करना है, तो वो बत्तियों की शक्ल में जो है वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स की शक्ल में आपकी स्किन से निकल जाएगा, और आपकी स्किन जो है वो नीट हो जाएगी। उससे जो ये ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, डेड स्किन जो होती है वो बिल्कुल निकाल देता है, और इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये मैं फैसलाबाद गई थी तो वहाँ मेरी कज़न ने मुझे ये दिया था, और आप देख सकते होंगे कि ये मैंने कितना ज़्यादा यूज़ किया। यहाँ से ये खाली है, सिर्फ इतना सा है, ये देखें इतना सा। ये आपको मैं दिखाती हूँ ज़रा जूम करके, ये देखें बिल्कुल मेरे पास अब ये थोड़ा सा है, और मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया है, और इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और वैसे भी ओले की जो प्रोडक्ट होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका जो अंदर टेक्सचर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसकी आप प्राइस की बात करती हैं तो इसकी प्राइस ये देखें, ये मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। 100 ग्राम जो है वो इसमें मुझे मिला है 300 का, और जहाँ पे आ जाता है कि 1 रुपया कम, 300, 1 रुपया कम, 200, तो मैं जो है वो 1 रुपया के चक्कर में नहीं पड़ती कि जी आप मुझे 1 रुपया वापस कर दें। बड़ी मुझे अजीब सी बात लगती है। अब ये 299 का है तो मैं इसको परचेज़ करने जाती तो मैं 300 ही देती, और वो जो लोग हैं वो 1 रुपये के पीछे पता नहीं क्या क्या उन्होंने शुरू किया होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने दिल को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। आपने ये थोड़ा सा लेना है, ये देखें, अपने चेहरे के हिसाब से लेंगे, लेकिन मैं आपको जो है वो डेमो करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखें, आपने इसको लगाना है, लगा के आपने इसको छोड़ देना है 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। जिन फ्रेंड्स को नहीं पता उन फ्रेंड्स को मैं बता दूं कि मेरी 6 फिंगर्स हैं, और मुझे अपनी 6 फिंगर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा फील होता है कि जी मेरी 6 फिंगर हैं, बाकी सबकी 5-5 हैं। तो ये आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरह से लेते हो, नेगेटिव लेते हो या पॉजिटिव लेते हो। नेगेटिव लेने से आपको कुछ फ़ायदा तो खैर नहीं मिलता, आप अपने लिए खुद ही परेशानियाँ और ख़ुद पे तर्स खाना और स्ट्रेस में जाना और ऐसे बहुत लो फील करते हो। तो इसीलिए
हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग आपको हमेशा नीचे लेके जाएगी और पॉजिटिव थिंकिंग आपको हमेशा ऊपर लेके जाती है। तो इसलिए प्लीज़ आप सब भी पॉजिटिव ही सोचा करें और खुद पे तरस खा के दुनिया आप पे तरस नहीं खाती। इंसान को अपना नाम, मकाम, इज्जत, शोहरत, दूसरे के दिल में घर बनाना ये आपको खुद करना पड़ता है, ये ऊपर से चीज़ें नहीं बनी बनाई आती। ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम रिलेशन हैं, तमाम बातें हैं, ये इंसान की अपने बस में होती हैं कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकता है। तो अभी तक ये ड्राई नहीं हुआ, ये अभी तक गीला है, इसको थोड़ा हम और टाइम देते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं लेकिन कम हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को बताया करें और जो फ्रेंड्स देख रहे हैं वो लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस किया करें। आप लोग सब्सक्राइब करके भूल जाते हैं, फिर आप सबको नोटिफिकेशन बेल नहीं मिलता, फिर आप लोग जो हैं वो मेरी वीडियो नहीं देख पाते। तो इसलिए प्लीज़ आप उस बेल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। अब हम फिर इसकी तरफ आ जाते हैं। तो ये अभी कितना है, अभी थोड़ा सा इसमें है, ये देखें अब ये ड्राई हो गया। अब आपने इसका मसाज करना है, रब करें इसको। ये देखें मैं इसको रब कर रही हूँ, ये देखें मैंने इसको रब किया। तो ये देखें ये कैसे इससे जो डर्ट है ये सब निकल रहा है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये देखें ये चीज़, ये डर्ट है, ये बिल्कुल ऐसे करके जब आप करेंगे तो ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है और फिर आपका चेहरा हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा, प्यारा सा। ये मैंने आपको डेमो करके भी बता दिया है। अब एक बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ ये है कि आप इसको अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सा है और बहुत अच्छी आपको फीलिंग देता है, कोई इसमें कुछ हार्ड किस्म का कोई पार्टिकल नहीं है। आखिर में मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।